जिंदगी में आज तक इतना परेशान कभी नहीं हुआ, इतना आहत कभी नहीं हुआ, इतना दुखी कभी नहीं हुआ जितना मैं लाइफ में इस एक सप्ताह में मैं दुखी हूँ। मैं कुछ नहीं कह सकता। सर आप तक क्या जानकारी मिला है आपको? मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं कटिहार में इफ्तार में हूँ, होली मिलन में हूँ, मैं अपनों के साथ हूँ और मैं अपनों के साथ खुश हूँ। नमस्कार, देख रहे हैं आप सभी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जेडीयू छोड़ आरजेडी में शामिल हुई बीमा भारती पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है, जिसको लेकर पप्पू यादव काफी मायूस नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि आरजेडी ने टिकट दे दिया है बीमा भारती को। औपचारिक ऐलान हो चुका है कि अब पूर्णिया से बीमा भारती चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं पप्पू यादव काफी मायूस नजर आ रहे हैं क्योंकि पूर्णिया सीट के लिए ही उन्होंने अपने पार्टी का विलय किया था कांग्रेस में, इस उम्मीद से कि उन्हें पूर्णिया सीट दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लालू यादव ने पूर्णिया सीट बीमा भारती को दे दिया है, जिसके बाद से पप्पू यादव की नाराजगी सामने आ रही है। तो वही एक निजी कार्यक्रम के दौरान पप्पू यादव का दर्द छलका है। उन्होंने कहा है कि पूर्णिया से ही लड़ूंगा मैं, जब लड़ूंगा पूर्णिया के अलावा मैं और कहीं से नहीं चुनाव लड़ूंगा। बता दें आपको कि पप्पू यादव ने पहले ही कहा था कि पूर्णिया मेरी लाइफ लाइन है, पूर्णिया को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। लगातार पूर्णिया सीट को लेकर दावा ठोकते नजर आ रहे हैं पप्पू यादव, तो वही क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पप्पू यादव, पहले आप वो सुने। जिंदगी में आज तक इतना परेशान कभी नहीं हुआ, इतना आहत कभी नहीं हुआ, इतना दुखी कभी नहीं हुआ जितना मैं लाइफ में इस एक सप्ताह में मैं दुखी हूँ। मैं कुछ नहीं कह सकता। सर आप तक क्या जानकारी मिला है आपको? मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं कटिहार में इफ्तार में हूँ, होली मिलन में हूँ, मैं अपनों के साथ हूँ और मैं अपनों के साथ खुश हूँ। मैं परेशान जरूर हूँ, दुखी जरूर हूँ, लेकिन मैं अपनों के साथ खुश हूँ। बीमा भारती का कहना है कि हम भैया से बात हो गई है। भैया मेरी समझ में नहीं आती है मुझे, ना 2003 में ना 2013 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे उनकी बच्ची, तब भी मैं उनके साथ खड़ा था। पति जेल गए तो मैं उनसे 10 बार बातचीत की, मैं हमेशा कहा वो जानती हैं कि भैया पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, पूर्णिया ही लड़ेंगे। तो अब उनको ना बेटी के तरह मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, मैं उसको नहीं कह सकता। क्या लगता है पप्पू यादव को छोड़ा जा रहा है? सर मेरा कर्म स्थिर वही बात, मैंने खुद अपनी जिंदगी को छला, कोई और नहीं छला। मेरे अपनों ने जब कभी महसूस ही नहीं किया, कटिहार पूर्णिया मधेपुरा सहरसा, तब ना आज ये हाल है। यदि हमारे घर के लोग मधेपुरा सहरसा कटिहार ये महसूस कर लिए होते कि सच्चा सिपाही सच्चा बेटा पप्पू से बड़ा सेवक कोई नहीं है, तो आज इतनी परेशानी होती? इतना मैं परेशान होता? आप पप्पू यादव किस भूमिका में देखेंगे आप? भैया कांग्रेस का सिपाही हो तो किस भूमिका में, कांग्रेस की भूमिका में ही आप देखिएगा। क्या पप्पू यादव पूर्णिया से लड़ेंगे? फिर वही बात, कांग्रेस का निर्णय आने दीजिए ना। मैं और लोगों की तो अभी तक तो कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, कांग्रेस ने कोई बात नहीं कही, हमसे आप पूछ रहे हैं। सर मैंने तो कह दिया लड़ूंगा तो पूर्णिया, नहीं तो कहीं नहीं। अब मैं पप्पू यादव को सुन रहे थे आप, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे पूर्णिया सीट को लेकर सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि एक सप्ताह में वो इतने परेशान हुए हैं जितने परेशान वो अपने जीवन में कभी नहीं हुए थे, इतने आहत वो जीवन में कभी नहीं हुए हैं जितना वो अभी है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि वो जब भी चुनाव लड़ेंगे तो वो पूर्णिया सीट से ही चुनाव लड़ेंगे क्योंकि पूर्णिया सीट उनकी लाइफ लाइन है, पूर्णिया उनकी लाइफ लाइन है, पूर्णिया उनकी माँ है और माँ को छोड़कर वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। इसका ऐलान पप्पू यादव ने कर दिया है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि अभी आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की गई है। पूर्णिया सीट को लेकर कांग्रेस ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, उनके निर्णय का हम इंतजार करेंगे। पप्पू यादव अभी पूर्णिया सीट के लिए इंतजार कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर पप्पू यादव के साथ क्या होता है, पप्पू यादव को कौन सा सीट दिया जाता है, पप्पू यादव लोकसभा चुनाव कहां से लड़ते हैं, ये
देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।